शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के गानवी में योग सेवा आश्रम एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के भवन की मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी शिशु धर्मा ने आधारशिला रखी। विश्व कीर्तिमान हिमालय हरिद्वार अस्पताल योग समिति गानवी द्वारा संचालित संस्थान के इस परिसर में आने वाले समय में आसपास के जिलों के लोगों को बीमारियों में योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करवाया जाएगा। इसके साथ साथ इस भवन के निर्माण के बाद यहां बच्चों को योग के क्षेत्र में ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जो आगे जाकर विश्व स्तरीय योग शिक्षक बन सकेंगे। इस अवसर पर शिशु धर्मा ने रक्तदान सेवा परिवार रामपुर द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान भी किया। विश्व कीर्तिमान हिमालय हरिद्वार अस्पताल योग समिति गानवी की चौथी वर्षगांठ के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें आसपास की पंचायतों से आई महिलाओं ने प्रस्तुतियां दी। समारोह के दौरान संस्था के योग में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुके बच्चों ने योग के माध्यम से विभिन्न कर्तव्य भी दिखाए। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी शिशु धर्मा ने योग को आज के युग में अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने दूर दराज क्षेत्र में इस विद्या को बढ़ावा देने के लिए ट्रिपल एच योग समिति की सराहना की। समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश योजना बोर्ड के सदस्य प्रेम सिंह द्रेक भी मौजूद थे। योग में विश्व कीर्तिमान स्थापित करता योग शिक्षक रणजीत सिंह ने बताया कि आज भवन की आधारशिला रखी गई है और वर्षों के भीतर ही इसको बनाकर भी तैयार कर लिया जाएगा ताकि लोग यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले सकें। बस आज इसका भूमि पूजन हो गया है, ये कुछ एक महीने के अंदर अंदर कार्य भी शुरू हो जाएगा और अगले वर्ष तक ये बन करके स्वरूप आपको दिख भी जाएगा जी। हमारे यहाँ से ऐसे बच्चे भी निकलेंगे, ऐसे योग की ट्रेनिंगें भी दी जाएंगी कि जिससे इंटरनेशनल योगा कोच भी तैयार हो सकें यहाँ पे। और भविष्य में सबको शुभकामनाएं भी हैं कि इस कार्य के साथ और आगे जुड़ें और इस कार्य को और आगे बढ़ाएं।